हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। फिर से स्वागत है आप लोगों का। एक बार कंफर्म कर दीजिए मेरी वॉइस आ रही है। एक बार बस थोड़ा सा ये वॉइस का दिक्कत है, इसको मैं देख लेता हूँ। अभी कुछ ठीक है मेरी वॉइस? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए एक बार आप लोग कंफर्म कर दीजिए सही से आवाज आ रही है कि अभी भी मत प्रॉब्लम है आवाज में सभी लोग। वेलकम अर्जुन जी, बहर अली, रोशन, दुर्गा पटेल, गुड आफ्टरनून। कुछ ज़्यादा ये नॉइस मेरे हिसाब से आ रहा है क्या? अभी एक मिनट दीजिए मुझे, थोड़ा देख लेते हैं कि ऑडियो का तो कुछ नहीं है इसमें। स्टार्ट हो गया। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, ओके है। एक बार मेरी आवाज़ का आप लोग कंफर्म करेंगे क्या कि सब कुछ सही है, तो मैं शुरू करूं कि ज़्यादा प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम, सही है, चंगा है। ओके, अगर सही है तो फिर शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। अगर सही है तो शुरू करते हैं, नहीं तो मुझे लगा कुछ प्रॉब्लम है वॉइस का। सब सही है, ठीक है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, सही है, सही है, सही है, सही है, सभी के मैसेज आने लगे, सही है। चलिए शुरू करेंगे तो फिर हम लोग आज की क्लास। आप लोग बस एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिएगा एंड वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हम लोग देखेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जीके जीएस करंट अफेयर्स के अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। 2 घंटे लगातार क्लास चलने वाली है, तो आप लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को शेयर कीजिए और सारे लोग वीडियो को लाइक कीजिए तुरंत अभी के अभी। वेलकम बहर अली जी, नो प्रॉब्लम। दुर्गा पटेल, हार्दिक जी, और कौन है, गुंचा परवीन, मनीष तिवारी, हार्दिक जी, अर्जुन, सारे लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज संडे लाइव में। ये लाइव आप देख रहे हैं अनअकैडमी रेलवे एग्जामिनेशन, जहाँ पे मैं हर संडे में आपको मैराथन क्लास लाता हूँ। 2 घंटे की लगातार क्लासेस चलने वाली है, तो आप लोग एकदम सारे प्रश्नों के डिटेल के साथ मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पे आप लोगों से, उससे रिलेटेड से संबंधित फैक्ट्स भी साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो आ जाइए, सभी लोगों का स्वागत है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। शुरू किया जाए बिना किसी देरी के, क्योंकि देरी नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एनी टाइम कभी भी अगर आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो नीचे लिंक है, आप डायरेक्टली उस लिंक से विजिट करके, ओम जायसवाल मेरा कोड है, सिंपल जो मेरा नाम है यही मेरा कोड है, इसका इस्तेमाल करके आप इंस्टेंटली 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं, ठीक है। तो नीचे लिंक है, डायरेक्टली आप वहाँ से जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या है, चेहरे में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। चलिए अब फटाफट आप लोग कमेंट करके बताएंगे। सभी प्रश्नों में मैं आपको 5 सेकंड का समय दूंगा। धनंजय जी बोल रहे हैं प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। आवाज का प्रॉब्लम है तो चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, ठीक है। चलिए अब फटाफट आप लोग कमेंट करके बताएंगे। सभी प्रश्नों में मैं आपको 5 सेकंड का समय दूंगा। धनंजय जी बोल रहे हैं प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। इसका इस्तेमाल करके आप इंस्टेंटली 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं, ठीक है। नीचे लिंक पे आप वहां से जा सकते हैं। Thank you.
अच्छा एक मिनट दीजिए मुझे, मैं इसको सही करता हूँ। एक मिनट लगिए मैं अब आई थिंक सो कि सही हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है जनरली, लेकिन क्यों हो रहा है राम जाने। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 14। ठीक है, थोड़ा सा वॉल्यूम आवाज का दिक्कत है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है सही है, अब सही है। ठीक है, तो चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो चेहरे में कुल हड्डियां होती हैं आपकी 14। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि कान में कितनी हड्डियां होती हैं, तो बता सकते हैं आप लोग, कमेंट करके बताइए कि कान में कितने, हाँ फैन का वॉल्यूम है। अब मुझे यही होगा कि मुझे पसीना बहुत तेजी से होगा, बीच बीच में स्टार्ट कर लिया करूंगा। चलिए बताइए, चेहरे में कुल हड्डियां होती है बता दिए आप लोग, बताना है कान में कौन सी हड्डी होती है, और सबसे छोटी हड्डी का नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, सबसे छोटी हड्डी जो है वो कौन सी होती है। ठीक है, ये भी आपको बताना है। चलिए डबल वाइस आ रही है आरके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल के उस परत का नाम बताइए जिसमें मौसम के सभी परिघटनाएं होती हैं, वो कौन सा है आपको बताना है। चलिए फटाक से बताइए सभी लोग। वायुमंडल का वो कौन सा परत होता है जिसमें मौसम की सभी परिघटनाएं होती हैं? तो ये है आपका क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्षोभ मंडल। इसी तरह दोस्तों आपका एक ओजोन मंडल होता है, क्वेश्चन आपसे इसी तरीके से पूछे जाएंगे कि ओजोन मंडल जो है वो किस लेयर में पाया जाता है, किस पेयर में पाया जाता है, तो आप ये कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको एक हिंट देता हूँ कि सतह से 35 किलोमीटर से लेकर 65 किलोमीटर के रेंज तक जो कि ओजोन लेयर होता है, O3 लेयर होता है, जो सूर्य से आने वाली यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज को रोकने का कार्य करती है यहाँ पे। ठीक है, हाँ गौरव, बहर अली जी, विशाल, ललित कुमार, हार्दिक जी, सभी का सही आ रहा है यहाँ पे। ओके ठीक है ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाएगा देखिए ओजोन लेयर को सबसे ज्यादा क्षति कौन पहुंचाता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC है जो सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाता है किसको, ओजोन लेयर को। इसको भी एकदम आप लोग रट के रखिएगा, याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? जी इस क्वेश्चन में देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा गोवा इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका, गोवा, जो कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पे है, तो गोवा है। गोवा के बारे में दो तीन चीजें आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। गोवा को आजाद कब कराया गया था, ये क्वेश्चन आपका आता है बहुत बार, और गोवा को किससे आजाद कराया गया था ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी लोगों को, क्योंकि गोवा ही एकमात्र ऐसा स्टेट है दोस्तों जो कि अंग्रेजों के शासन में नहीं था। ठीक है, यहाँ पर अंग्रेजों ने राज नहीं किया था, यहाँ पे पुर्तगालियों ने राज किया था। ठीक है, यहाँ पे पुर्तगालियों का राज्य था, तो आपको बताना है कमेंट करके कि गोवा को पुर्तगालियों से कब आजाद कराया गया था यहाँ पे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। गोवा के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर का नाम आपसे पूछेगा तो ये कौन है, तो प्रमोद सावंत जी हैं तत्कालीन चीफ मिनिस्टर। आपसे पूछेगा कि यहाँ का गवर्नर कौन है, तो पहले मृदुला सिन्हा थी, लेकिन अब जम्मू कश्मीर वाले आ गए हैं सत्यपाल मलिक। ठीक है, सत्यपाल मलिक तत्कालिक यहाँ के गवर्नर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक प्रश्न आपको मैं और करंट का बता रहा हूँ, इसको भी याद रख लीजिएगा। 1961 EVM ना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, EVM से संपूर्ण रूप से चुनाव कराने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है, तो गोवा है एकमात्र राज्य जो कि EVM से संपूर्ण चुनाव कराया था। ठीक है, याद रखिएगा, हाँ 1961। तो गोवा संबंधित फैक्ट्स जो थे ये मैंने आपको बता दिए। अगला सवाल देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को हम क्या कहते हैं, बताइए। आपको बताना है कि व्हाट इज द क्रॉप शोन इमीडिएटली आफ्टर द साउथ वेस्ट मानसून, रवि, खरीफ, वर्षा पुष्ट या फिर शुष्क खेती। बताइए फटाक से, रवि, खरीफ, वर्षा पुष्ट या फिर शुष्क खेती।
इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों खरीफ इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहा जाता है, तो उसको हम लोग खरीफ की फसल बोलते हैं, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में सबसे ज्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर करते हैं। आर के अहिरवार जी और सोनू जी हैं, उदित कुमार, हर्षिता पटेल, बहर अली, सबके कमेंट्स में देख पा रहा हूँ। भारत में सबसे ज्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार या फिर छत्तीसगढ़। आप सभी लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है ना, सब लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड कोई भी ग्रुप हो आपके पास, कोई भी ग्रुप हो, वन अकेडमी का भी ग्रुप होगा, तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा इसको प्लीज, एक एटलीस्ट एक शेयर कर दीजिए। सभी से विनम्र गुजारिश है, बिल्कुल से दोस्तों महाराष्ट्र इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी ग्रेट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के तत्कालिक चीफ मिनिस्टर का नाम बताइए कौन है, तत्कालिक चीफ मिनिस्टर शिवसेना के बने हैं। चलिए मैं सबके कमेंट देख रहा हूँ, तत्कालिक चीफ मिनिस्टर जो कि शिवसेना के बने हैं वो कौन है, फटाफट बताइए सारे लोग कमेंट करके। ओके चलिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे उद्धव ठाकरे इज द राइट आंसर ना, उद्धव ठाकरे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, उद्धव ठाकरे जो कि शिवसेना से हैं। और अगर आपसे पूछेगा गवर्नर कौन है, गवर्नर महाराष्ट्र कौन है, तो ये हैं आपके भगत सिंह कोश्यारी, इनका भी नाम आप लोग याद रखेंगे, भगत सिंह कोश्यारी ये यहाँ के गवर्नर हैं। अगर आपसे पूछेगा चीफ जस्टिस, बॉम्बे हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस पक्का पूछता है, ऐसे प्रश्न जरूर पूछता है आप लोगों से, तो चीफ जस्टिस अगर पूछ लिया तो क्या बताएंगे, दीपांकर दत्ता, इनका भी नाम आप लोग नोट कर लीजिए, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए मैं आपको सारा बताऊंगा यहाँ पे। हाँ कुणाल सही है, दीपांकर दत्ता यहाँ के चीफ जस्टिस हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। एक इससे क्वेश्चन और बताऊंगा आप लोग को, इम्पोर्टेंट है, एकमात्र भारतीय स्टेट का नाम बताइए जिसने वीकेंड पे छुट्टी दे दी, मतलब सैटरडे एंड संडे दोनों सरकारी एंड प्राइवेट में ऑफ रहेगा, बस आपको हर दिन में 45 मिनट एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा ना, हर दिन आप 45 मिनट एक्स्ट्रा काम करके इन दो दिनों का मजा ले सकते हैं, तो ये भी, जय हिंद अंकित कुमार जी। तो ये कौन सा स्टेट था, तो महाराष्ट्र। एक क्वेश्चन और बताऊंगा आपको, हमारा जो प्रियम्बल्स है, प्रस्तावना, हमारे संविधान का जो प्रस्तावना है, कौन से राज्यों में पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है, पढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया है बच्चों को, स्कूली बच्चे हैं उनको, तो महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश, धीरे धीरे लगभग सभी जगह ये स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उससे संबंधित फैक्ट भी मैं आपको बताता रहूंगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था, वेन वॉज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन इंडिया। जी सही है आंसर आप सभी लोगों के, बहुत सारे लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया, दिल से धन्यवाद। विश्वजीत दास, खुशबू पांडे, संपा राय, उदित कुमार, आदित्य यादव और कौन कौन है भाई, सभी लोगों को मैं देख रहा हूँ, महाराष्ट्र फर्स्ट है। हाँ सही है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था दोस्तों, ये लगाया था 1972 में, ऑप्शन नंबर ए, सन 1972 में लाया गया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको एकदम रट के रखिएगा, याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है यहाँ पे, ठीक है, तो वो रीजन कौन सा है जो ब्रह्मपुत्र डेल्टा रीजन के नाम से जाना जाता है, मानसूनी वन, वर्षा वन, पतझड़ी वन या फिर सुंदर वन। चलिए देखते हैं कितने लोग इसका आंसर बता पाते हैं, अनामिका, विश्वजीत दास, संपा, दिवस दास और कौन कौन है जो आंसर कर रहे हैं इसका, खुशबू, आदित्य यादव। जी सही है आप लोग के आंसर, लगभग लगभग मानसूनी वन, वर्षा वन, पतझड़ वन या फिर सुंदर वन, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, तो क्या लगता है आंसर इसका, बिल्कुल से दोस्तों ये है आपका सुंदर वन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सुंदरबन जो कि कहाँ पे है, WB वेस्ट बंगाल में है, यहाँ पे जो गंगा और जो कि ब्रह्मपुत्रा के डेल्टाओं से बनता है, यहाँ पे ये क्षेत्र जो वन क्षेत्र है
ठीक है, तत्कालिक चीफ मिनिस्टर अगर आपसे वेस्ट बंगाल का पूछेगा तो ममता दीदी है, दीदी की सरकार है। यहाँ के चीफ जस्टिस का नाम बता सकता है कोई? चीफ जस्टिस का नाम मैं बताता हूँ, याद रखिएगा इसको, टीबीएन राधा कृष्णन मुख्य न्यायाधीश हैं इस स्टेट के। तो आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे प्रश्न बनते हैं कि उस पर्टिकुलर स्टेट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये सारे प्रश्न भी आपको याद रखने हैं यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, एसएससी के लिए भी सारे ये क्लासेस एसएससी को भी हेल्प करेंगी, रेलवे के भी एंड अदर एग्जामिनेशन के भी हेल्प करेंगी, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न लगभग सब जगह आपसे पूछे जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन और है एक अगला। ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने और इसकी अध्यक्षता करने का अधिकार किसके पास होता है, बताइए। चलिए अंकित, कुणाल, धनंजय मिश्रा, विश्वजीत दास, संपा, बिल्कुल 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 अंकित कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। क्या लगता है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों मुखिया इज द राइट आंसर, द हेड, जो हेड होता है उसी को, एकदम कॉमन सा क्वेश्चन है, आपको ये याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कमेंट करके कि पंचायत का गठन जो होता है भारतीय संविधान के किस आर्टिकल से इसका संबंध है, आप लोग बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, पंचायत जो होता है भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में इसका संबंध दिया गया है, ठीक है बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है, किस देश से लिया गया है, मतलब कहने का मतलब यह है कि कौन से देश से दोहरी नागरिकता का सिद्धांत दिया गया है, भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप, ड्यूअल सिटीजनशिप, कंफर्म करिए इसको, सही आंसर हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, USA, ड्यूअल सिटीजनशिप आपका, देखिए वैसे आंसर बी भी होगा, कनाडा, यहाँ पे थोड़ा दो दो ऑप्शन है, कनाडा में भी आपका ड्यूअल सिटीजनशिप है, लेकिन हमारा कहाँ से लिया गया ये पूछ रहा है, इसलिए USA इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसके साथ हमारा कोई संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है, पता है कोई आप लोगों को, कोई भी नाम पता है बताइए, संयुक्त सैन्य अभ्यास अमेरिका के साथ, जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ आपका हुआ है ऑसिन डेक्स करके हुआ है, ठीक है, पिच ब्लैक करके हुआ है, पिच ब्लैक, ये दोनों मिलिट्री एक्सरसाइज सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है यहाँ पे। इसी तरह आपको बता सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ, मैं बताता हूँ, देखिए युद्ध अभ्यास ना, युद्ध अभ्यास ये आपका किस साथ हुआ है, हाँ, और बता सकता है कोई युद्ध अभ्यास, तीन नाम आपको बताने हैं अगर आपको पता है संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन कौन से हुए हैं, तो एक मैंने बता दिया, दो आपको कमेंट करके बताने हैं, युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, विश्वजीत बिल्कुल सही, और बस एक और बताइए, एक और रिसेंट का है, खंजर किर्गिस्तान के साथ हुआ है, टाइगर ट्रैम, बिल्कुल सही, कॉप इंडिया ट्राइगर टाइगर ट्रैम, खंजर जो आप बता रहे हैं ना विशाल जी, वो किर्गिस्तान के साथ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान को पारित किए जाने के साथ संविधान का कौन सा प्रावधान तुरंत लागू किया गया था, बताइए, विच द विद द पैसेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इम्प्लीमेंटेड इमीडिएटली, तुरंत उसको लागू किया गया था, नागरिकता का प्रावधान, चुनाव संबंधी प्रावधान, अंतरिम संसद संबंधी प्रावधान, उपरोक्त सभी प्रावधान, युद्धाभ्यास, वज्र प्रहार, कोपा इंडिया, टाइगर ट्रैम, इसको आप लोग रिवाइज करते चलिएगा। और दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, तो आप लोगों को कसम है आप लोग वीडियो को तुरंत लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर कर दीजिए कहीं पे भी, आप लोग कम से कम एक लोग एक शेयर करेगा तो कम से कम एक लोग तो आएगा क्लास में ना, इतने देर क्लास चलने वाली है, थोड़ा सबको फ़ायदा हो, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए। इस क्वेश्चन में देखिए हो जाएगा आपका सभी प्रावधान, संविधान को पारित करने के साथ साथ ही इन सभी प्रावधानों को लागू कर दिया गया था, नागरिकता प्रावधान, चुनाव संबंधी प्रावधान, अंतरिम संसद जो कि प्रावधान लागू कर दिया गया था। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि चुनाव आयुक्त जो होता है, चुनाव इलेक्शन का जो प्रावधान है, ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, किस आर्टिकल में है, अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे, तो चलिए मैं बताता हूँ, यहाँ पे आर्टिकल नंबर 324 का संबंध है, आर्टिकल नंबर 324 का संबंध है चुनाव से, जिसमें तीन मेंबर्स होते हैं, ये याद रखिएगा यहाँ पे। ठीक है,
जी बिल्कुल, पीडीएफ दे देंगे, पीडीएफ दे देंगे, टेंशन मत दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था? चलिए बताइए, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम कौन सी पार्टी थी? हमको पूरा वीडियो चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल पूरा वीडियो मिलेगा भाई धनंजय जी। सभी के आंसर में देख रहा हूँ, अभिषेक त्रिवेदी, अंकित विश्वजीत, चंद्रभान जायसवाल, अंकित, आर के अहिरवर, समथिंग्स, अमित मोरवाल, और कौन कौन है, रोशन सिंह यादव, उदित कुमार, संपा, पवन कुशवाहा, विश्वजीत, सभी के आंसर हैं। बिल्कुल सही दोस्तों, हो जाएगा स्वराज पार्टी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, स्वराज पार्टी इज द राइट आंसर, ठीक है याद रखिएगा इसको। अगला देखिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस? सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो पूरा प्रश्न लगा के देखिए, ऐसे अगर प्रश्न आते हैं क्विक आंसर में तो कितना अटेम्प्ट आप करते हैं। राम राम मोहित जी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? चलिए बताइए फटाक से, वो कौन सा साल था जब ये स्थापना किया गया था? सभी के कमेंट्स में देख पा रहा हूँ, जहां तक इस क्वेश्चन में देखिए आंसर हो जाएगा आपका सन 1920 इज द राइट आंसर, ठीक है 1920, सन 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी। इसके एक साल पहले ना, एक साल पहले सन 1919 में क्या हुआ था, एक बहुत ही निर्मम कांड हुआ था, दुखद, जो कि था आपका कौन सा, बता सकते हैं आप लोग, जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें जनरल डायर के आदेश पर अंधाधुन निहत्ते लोगों पर अंधाधुन गोलियां चलवा दी गई थी। इसको आप याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। और इसमें देखिए थोड़ा सा और पीछे जाएंगे तो सन 1915 में जो कि महात्मा गांधी आए थे साउथ अफ्रीका से, भारत आए थे 9 जनवरी को, तो उस दिवस को भी हम लोग क्या मनाते हैं, एनआरआई डे के रूप में मनाते हैं यहाँ पे। सही है जी, बिल्कुल मोहित, विश्वजीत, अमित, भरत, सबके आंसर सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया था? गुड, एबीजी कह रहे हैं गुड, एनआरआई डे, एनआईआर लिख दिया आपने गलती से, कौन सी क्रांति थी ये, स्वतंत्रता, समानता और प्रभुत्व वाली, बंधुत्व वाली, फ्रांसीसी क्रांति से हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी ग्रेट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है फ्रांसीसी क्रांति इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन व्यवस्था स्थापित किया गया? 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन व्यवस्था स्थापित किया गया? उदार तानाशाह, निरंकुश राजतंत्र, सैनिक तानाशाही, संवैधानिक राजतंत्र, क्या लगता है आंसर क्या होगा इसका? बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का आपका, ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक राजतंत्र इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, 1789 में की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि जीएसटी लागू करने वाला फर्स्ट कंट्री, जीएसटी लागू करने वाला पहला जो कंट्री है वो कौन है बताइए। जैसे हमारा भारत है तो भारत में असम, असम में सबसे पहले जीएसटी को लॉन्च किया गया था, लेकिन अगर देश का नाम पूछा जाए कि जीएसटी को सबसे पहले कौन से देश ने लाया था, तब क्या बताएंगे, तो मुझे लग रहा है आप लोग सही बता रहे हैं ना, यही आंसर होगा इसका, जीएसटी लाने वाला फ्रांस ही है, सबसे पहले जो देश है वो फ्रांस ही है। अगला देखिए, हमारे शरीर में नमक की कुल मात्रा कितनी होती है? हमारे शरीर में नमक की कुल मात्रा कितनी होती है?
1%, 2%, 0.4% या फिर 0.6%। ओके, दो घंटे क्लास चलने वाली है, लगभग सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, एकदम दिल थाम के रहिए, सारे प्रश्नों को देखिए, लगाइए, ऐसे प्रश्नों में से कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं ये ज़्यादा मैटर करेगा। बिल्कुल सही दोस्तों, ये है 0.4%। हमारे शरीर में नमक की कुल मात्रा कितनी होती है? 0.4%। और अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे शरीर में कितने लीटर खून होता है, तो 5 से 6 लीटर जो खून होता है वो होता है मेल में, और 4 से 5 लीटर जो खून होता है वो होता है आपका फीमेल में। अगर यही मैं परसेंटेज पूछूं कि आपके बॉडी वेट का ये कितना परसेंटेज खून होता है, तब आप लोग क्या बताएंगे? आपके बॉडी वेट का कितना परसेंट आपकी बॉडी में खून होता है, ये प्रश्न अगर आ जाए तो परसेंटेज बताइए। चलिए मैं बताता हूँ, आपके बॉडी वेट का 7% जो होता है दोस्तों वो खून होता है। जितना भी आपका बॉडी वेट होगा उसका 7% आप जो निकालेंगे वो आपके बॉडी में उतना खून होता है, तो ये भी याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, गरसोप्पा जो प्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? गरसोप्पा जो जोग फॉल है लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? स्टेट का भी नाम बता सकते हैं आप लोग, हिमांशु, विश्वजीत दास, अंकित, राजेश कुमार जी, चंद्रभान, जायसवाल, खुशबू पांडे, अभिषेक त्रिवेदी, अनुप कुमार, ए बी, धनंजय, उदित कुमार, सबके आंसर आ रहे हैं मैं देख पा रहा हूँ जहाँ तक। गरसोप्पा जो प्रपात करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए सरावती इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जाएगा, सरावती। ठीक है, गरसोप्पा जो प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो सरावती नदी पर स्थित है। स्टेट बता सकता है कोई? कावेरी, कावेरी गलत बता रहे हैं आप लोग, कर्नाटका इज द राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल सही, याद रखेंगे। वाटरफॉल भी आपसे बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको भी अच्छे से याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछा गया है। जय भीम, जय भीम रावेंद्र जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यवहार और बंधुता मजदूर पर रोक से संबंध है? मजदूरी एक तरीके से कह लीजिए, कौन सा आर्टिकल है यहाँ पे मानव के दुर्व्यवहार और बंधुता मजदूर पर रोक से संबंधित आर्टिकल का नाम बताइए। बिल्कुल सही, संपा, उदित, एवी जी, कुणाल, विश्वजीत, धर्मेंद्र जी, खुशबू पांडे, सभी के आंसर सही आ रहे हैं, करेक्ट आंसर दिया आप लोगों ने। इस क्वेश्चन में देखिए सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 23(1) या फिर ए कह सकते हैं। देखिए, बाल श्रम निषेध ये कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल नंबर 23 और 24 से संबंध रखता है यहाँ पे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि फंडामेंटल राइट जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, तो ये कहाँ से है? 12 से 35 में है। हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज किस में है? तो 51A में है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये दोनों भी बहुत बार आपसे पूछे गए हैं, बाकी भी आर्टिकल मैं धीरे धीरे आपको बताता रहूँगा साथ साथ क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मारियाना ट्रेंच निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? मारियाना ट्रेंच जो है कौन से महासागर में स्थित है? आप लोग प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, हार्टली रिक्वेस्ट है आप लोगों से, शेयर जरूर कीजिएगा लाइक करने के साथ साथ, कहीं पे कर दीजिए, कोई भी आपके पास ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो, प्लीज़ वीडियो को शेयर करके उनको भी ऐड कर लीजिए क्लास में, जिससे उनको भी हेल्प मिल जाए क्लास के थ्रू। बिल्कुल सही दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर इज द राइट आंसर, पैसिफिक ओशियन ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आपको बताना दोस्तों कुल मिला के 5 नदियों का नाम कमेंट बॉक्स में, जो कि वे आप बंगाल में गिरती हैं। उन 5 नदियों का नाम बताइए जो कि वे आप बंगाल में गिरती हैं। देखते हैं कितने लोग बताते हैं कमेंट बॉक्स में, इंतजार रहेगा आप लोगों के कमेंट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ पर स्थित है? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ पर स्थित है? जम्मू और कश्मीर, नई दिल्ली, बेंगलुरु या फिर हैदराबाद? धनंजय जी मेरा नंबर लेंगे आप?
नंबर तो मैं दे सकता हूँ वैसे, 6391819757 पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर कुछ भी दिक्कत है, ठीक है। ये इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा आपका हैदराबाद इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, हैदराबाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरेटरी कब बनाया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरेटरी कब बनाया गया, गंगा ब्रह्मपुत्रा कावेरी गोदावरी कृष्णा, बिल्कुल सही गौरव कुमार ने आंसर दिया है, थैंक यू गौरव, फाइनली आपने दिया। और विश्वजीत दास ने भी दिया है, महानदी भी गिरती है, गंगा भी गिरती है, गोदावरी गिरती है, ब्रह्मपुत्रा गिरती है ना, कृष्णा जो कि आंध्र प्रदेश वाला, नागार्जुन सागर डैम है, नागार्जुन सागर वहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान भी है, तो बिल्कुल सही। नहीं डेट मैंने पूछा विश्वजीत, 2019 इज राइट, 31 अक्टूबर सन 2019 और इस दिन था यूनिटी डे, यूनिटी डे वाले दिन ही इसको फॉर्म किया गया था, आर्टिकल नंबर 370 को हटाने के बाद इसको यूनियन टेरेटरी का बनाया गया था यहाँ पे, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व के कारण त्वरण का मान क्या होता है, आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे उसके बाद आंसर करेंगे। पृथ्वी के केंद्र के पर गुरुत्व, केंद्र पर गुरुत्व का मान क्या होता है, -1, 0, 1, 9.8, मिस्टेक, कैसे हो गया मिस्टेक बताइए भाई, मुझे पता था कुछ लोग 9.8 बताएंगे, वैसे सही आंसर हो जाएगा 0, 0 ना। पृथ्वी के केंद्र की तरफ जाने पे जो हमारा ग्रेविटी होता है उसमें घटाव होता है, वो होता है आपका नगण्य, शून्य होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी ग्रेड हो जाएगा यहाँ पे। चुंबकीय प्रेरण क्षेत्र का एसआई इकाई क्या है, व्हाट इज द यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन फील्ड, टेस्ला, ओम, न्यूटन, वेबर, निशान जी आ गए भाई, वेलकम है आप सभी लोगों का, वेलकम टू दी क्लास। इसको मैं थोड़ा और आगे करता हूँ क्या, चलिए इस क्वेश्चन में सेंसर हो जाएगा टेस्ला इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए टेस्ला, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दोस्तों, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था, बिल्कुल सही यहाँ पे डाल्टन का के द्वारा दिया गया था, डाल्टन के द्वारा दिया गया था। वैसे दोस्तों ऐसे हम लोग बचपन से ही न्यूटन का जो कि इनकी सारी नियम लॉ को पढ़ते आ रहे हैं, आपको बताना न्यूटन का थर्ड लॉ को हम क्या कहते हैं ना, इन्हीं के ऊपर जो सेव गिरा था, कटा हुआ सेव फाइनली, ये जो मैंने बनाया यहाँ पे, डाल्टन इज द राइट आंसर। तो न्यूटन का थर्ड लॉ बहुत बार आपके एग्जामिनेशन में आया है, इसको बताइए क्या है। नेक्स्ट देखिए, आपको बताना है एफई ना के नाभिक में प्रोटॉन जो है, आयरन है जो हमारा, इसमें इसका 26 है, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो इसमें इलेक्ट्रॉन संख्या क्या हो जाएगा, स्क्वायर कर दें तो इसमें प्लस आयन जो है कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके प्लस आयन में, आपको बताना है। एक्शन एंड रिएक्शन सही है, थर्ड लॉ यही कहता है जब तक कोई वस्तु उसी अवस्था में बनी रहेगी जब तक हम कोई बाहरी प्रतिक्रिया
उस पर बाहरी बल बाहरी फोर्स न लगाएं तब तक वो विरामावस्था में ही रहेगी। तो रिएक्शन तभी होगा जब हम कुछ एक्शन लेंगे, तभी वो अपने जगह से हट जाएगी। यहाँ पे क्लास को लाइक कर दो, अनिल संपा जी कह रहे हैं, सभी लोग लाइक कर दीजिए भाई। यहाँ पे दो घटेगा, यहाँ पे 24 होगा, ऑप्शन नंबर बी हुआ राइट। आपको बताना दोस्तों मंगल ग्रह लाल क्यों है। मंगल ग्रह जो है आपका, जिसको हम लोग बोलते हैं रेड प्लैनेट ना, जिसको हम लोग बोलते हैं रेड प्लैनेट, तो रेड प्लैनेट इसको क्यों बोलते हैं, किसकी मौजूदगी है यहाँ पे जिसकी वजह से हम लोग इसको रेड प्लैनेट बोलते हैं, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं इसको। मैं बता चुका हूँ काफ़ी बार, मंगल ग्रह देखिए इसको अपनी धुरी पर घूमने में मात्र 24 घंटे 6 मिनट लगते हैं, 24 घंटे 6 मिनट लगते हैं। और हमारी पृथ्वी जैसे 23.5 अंश पे झुकी हुई है, इसी तरह ये 25 अंश पे झुकी हुई है। सूर्य की परिक्रमा करने में इसको 687 दिन का समय लगता है, पृथ्वी को लगता है 365 दिन 6 घंटे, ठीक है, और 225 दिन लगता है शुक्र को, 88 दिन लगता है बुध को। ये भी आप पूछता ही है, जनरली पूछता ही है। तो आयरन ऑक्साइड मौजूदगी की वजह से, आयरन ऑक्साइड की मौजूदगी की वजह से मंगल ग्रह आपको लाल ग्रह के रूप में लोग जानते हैं यहाँ पे, ठीक है जी, बिल्कुल पूरा वीडियो मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, द्रव्यमान संख्या 26 है, उस तत्व के परमाणु न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, फॉर्मूला लगाइए तुरंत, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या होता है, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सारे लोग अभी जुड़े हैं तो उनका बहुत बहुत स्वागत है, काइंडली आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। अभी तक किसी ने नहीं बोला कि सर मैंने शेयर किया है ना, किसी ने भी नहीं बोला, मतलब आप लोग ने शेयर नहीं किया। एक सेकेंड का समय लगेगा, आप लोग बस शेयर के बटन पे टैप करके शेयर कर सकते हैं, तुरंत शेयर कर दीजिए इसको। घटा दिया आप लोगों ने, बिल्कुल सही, 19 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी घट जाएगा, ठीक है। 19 अगला देखिए, यदि पृथ्वी की त्रिज्या घटती है और उसका द्रव्यमान समान बना रहता है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। यदि पृथ्वी की त्रिज्या घटती है और उसका द्रव्यमान समान बना रहता है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। चलिए बताइए, बिल्कुल राहुल आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा, सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बढ़ेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी की त्रिज्या अगर घटती है तो द्रव्यमान समान बना रहेगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी घट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किस यंत्र द्वारा रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है, कौन से यंत्र के द्वारा रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है, कैलोरी मीटर, गीगर मूलर अकाउंट, बैरोमीटर, फिर हाइग्रोमीटर। शेयर कर दिया है यहाँ पे, थैंक यू रविंद्र जी। क्लास संडे को चलता है और ये क्लास 2 बजे तक चलेगी, 2 घंटे की ताबड़तोड़ क्लास है। कैलोरी मीटर, गीगर मूलर काउंटर, बैरोमीटर या फिर हाइग्रोमीटर। तो गीगर मूलर काउंटर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी कर जाएगा, ठीक है, गीगर मूलर काउंटर। अगला देखिए, पृथ्वी की सतह से भू स्थित उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है, पृथ्वी की सतह से भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है, नहीं आज इवनिंग में क्लास नहीं है, आज रात में क्लास है, सीधे 11 बजे विश्वजीत करंट की क्लास है, इवनिंग में कोई क्लास नहीं है। रूपा कुमारी, प्रमोद, खुशबू पांडे, विश्वजीत दास, बिल्कुल सही दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा दोनों नहीं, ऑप्शन नंबर ए, ए इज द राइट आंसर, 36,000 किलोमीटर, ठीक है, 36,000 किलोमीटर ए इज द राइट आंसर। वॉशिंग मशीन धोन सोडा किस सिद्धांत पर कार्य करता है, वॉशिंग मशीन धोवन सोडा किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अपकेंद्रण,
बताइए इसका आंसर क्या होगा। सभी लोग ये है कि क्वेश्चन लगा ले रहे हैं, अच्छा लग रहा है। सही आंसर हो जाएगा इसको, उपयुक्त में से दोनों ए एंड बी दोनों हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आघूर्ण बल का एसआई मात्रक क्या होता है, आघूर्ण बल का एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई यूनिट। न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर या फिर पास्कल। पवन कुमार, कुणाल सिंह, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों न्यूटन मीटर इज द राइट आंसर, ठीक है। न्यूटन मीटर मोमेंट्री फोर्स ए करेक्ट हो जाएगा इसका। तीसवां क्वेश्चन देखिए, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले रंग का प्रयोग किया जाता है, उन लैंपों में निम्नलिखित में से कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है। जो पीले रंग का प्रयोग करते हैं ना रोशनी के लिए, उसमें लैंपों में हम किसका प्रयोग करते हैं, किस का प्रयोग करते हैं, सोडियम, नियॉन, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन। ए सही है आपका, इसमें सोडियम का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सोडियम। नेक्स्ट देखिए, काले वस्त्र के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं, काले वस्त्र के मुकाबले श्वेत वस्त्र जो व्हाइट कलर के कपड़े होते हैं वो शीतल क्यों होते हैं, ठंडे क्यों होते हैं। प्रकाश सौ होगा ये, बिल्कुल सही दोस्तों। उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है वे उसको परावर्तित कर देते हैं, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी ना। काला क्या करता है, वो अवशोषित करता है, लेकिन व्हाइट क्या करता है, वो रिफ्लेक्ट कर देता है उसको, दैट वाई यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है यहाँ पे। विच आर द फॉलोइंग इज यूज फॉर द बायोलॉजिकल कंट्रोल फॉर मॉस्किटोज। मैं बस संडे को क्लास लूंगा धनंजय जी, संडे को दो दो घंटे क्लास मेरी है, नेक्स्ट संडे में फिर मिलेंगे आप लोगों से पूरे, इसीलिए मतलब बोल रहा हूँ पूरे प्रश्न को लगा के देखिए आप, ऐसे प्रश्न अगर आते हैं आपके एग्जामिनेशन में तो आप कितने प्रश्नों को कर पाते हैं। देखिए ये है आपकी एक मछली ना, कौन सी मछली है, गंबुसिया मछली, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, गंबुसिया। जैविक नियंत्रण करने के लिए क्या करती है, मच्छरों के लार्वा को खा जाती है, इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अपटू, थायराइड ग्रंथि इसके कम काम करने का रीजन क्या है, थायराइड। विकास सिंह, शंभु कुमार जी, संपा और निशांत, अमित जी, सयाक घोष, विश्वजीत दास, अमित मोरल, खुशबू पांडे, संतोष कुमार, शंभु कुमार, बहर अली, सही आंसर जाएगा आयोडीन की कमी, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ना। अपटू ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि के कम काम करने का कारण क्या है, बॉडी में आयोडीन की कमी है, इस वजह से। आयोडीन कमी से कौन सा रोग होता है, आयोडीन की कमी से अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा रोग होता है तो क्या बताएंगे, आयोडीन की कमी से होता है घेंघा रोग, ठीक है, घेंघा रोग होता है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, झीलों में अवसादों के जमने से बनी चट्टानों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, झीलों में अवसादों से जो बनी चट्टानें होती हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है दोस्तों सेडिमेंट्री रॉक, ऑप्शन नंबर सी से जाएगा, सेडिमेंट्री रॉक जी, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 35वां, सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन हुआ था,
कांग्रेस के इन विभाजित गुट जो गरम दल क्रमशः नरम दल में थे, पुनः एकीकरण समझौता हुआ कब? जो गरम दल और नरम दल था इसमें समझौता कब हुआ? सभी के कमेंट्स मैं वॉच कर रहा हूं। ओके, बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ 1916 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, सन 1916, ठीक है 1916। अगला देखिए, ऑरेंज बुक सरकारी दस्तावेज किस देश का है? ऑरेंज बुक सरकारी दस्तावेज किस देश का है? इटली, फ्रांस, नीदरलैंड, जापान। नीदरलैंड इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा इसका, नीदरलैंड। 37वां देखिए, अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह निम्नलिखित में से क्या है? अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह निम्नलिखित में से क्या है? गुलाब का फूल, लीली, कंगारू, गोल्डन राड। इस क्वेश्चन में हो जाएगा गोल्डन राड इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा ना। अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो गोल्डन राड। तत्कालिक अमेरिका के कौन से प्रेसिडेंट थे जिन पर महाभियोग लगाया गया बट वो बच गए? कौन से प्रेसिडेंट थे जिन पर महाभियोग लगाया गया बट वो बच गए? इम्पीचमेंट आर्टिकल का संबंध किससे है, जो कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से ही भारत में लिया गया है? डोनाल्ड ट्रंप। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप पे लगाया गया था बट वो बच गए थे। और इम्पीचमेंट आर्टिकल का संबंध किस भारतीय संविधान के अनुच्छेद से है? आर्टिकल नंबर 361 का संबंध भारतीय महाभियोग से, राष्ट्रपति पर महाभियोग से है। आर्टिकल नंबर 352 का संबंध किससे है? तो नेशनल इमरजेंसी पे है ये, ठीक है। और आर्टिकल नंबर ओनली 52 का संबंध किस पे है? तो ये प्रेसिडेंट से है। आर्टिकल नंबर 54 का संबंध किससे है? तो ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन से है। आर्टिकल नंबर 57 का संबंध किससे है? तो ये प्रेसिडेंट के री इलेक्शन से है। आर्टिकल नंबर सॉरी 61 है। आर्टिकल नंबर 61 का संबंध किससे है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग इम्पीचमेंट से है। इसके बाद आर्टिकल नंबर 72 का संबंध किससे है? तो ये है आपका, जो राष्ट्रपति क्षमादान करता है वो है यहाँ पे, ठीक है। राष्ट्रपति क्षमादान करता है वो है, दोनों याद रखिएगा। और आर्टिकल नंबर 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 स्टेट इमरजेंसी, और जो कि वित्तीय इमरजेंसी लगता है यहाँ पे 360 में, इसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। इसका उपयोग किया गया है सन 1962 में, 1971 में, और 56 का प्रयोग किया गया है 75 में। तीन बार हमारे इमरजेंसी लग चुकी है। चलिए गुडू जी, क्लास फास्ट चलाइए, फास्ट चलें तो डिटेल थोड़ा कम बता पाएंगे, ठीक है। चलिए फास्ट चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शराब पीकर वाहन चलाने के लिए यातायात पुलिस शासन परीक्षण के लिए किस पदार्थ का इस्तेमाल करती है? शराब पीकर वाहन चलाने के लिए यातायात पुलिस शासन परीक्षण के लिए किस पदार्थ का इस्तेमाल करती है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करती है। इसका इस्तेमाल करते ही आपके मुंह से सिरके जैसी गंध आने लगती है, इसका मतलब आपने ड्रिंक किया हुआ है, ड्रिंक एंड ड्राइव के लिए पकड़ने का प्रयास करती है यहाँ पे। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। मैगलन जल डमरू मध्य किन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है?
मैगलन जल डमरू मध्य निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? कुछ लोगों को फास्ट जा रहा है, सुपर फास्ट एक्सप्रेस हो जाए हम ना, सही आंसर हो जाएगा इसका देखिए आपका प्रशांत महासागर और दक्षिण अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, प्रशांत महासागर और दक्षिण अटलांटिक महासागर। कौन से दो देशों में पाक स्ट्रेट, कौन से दो देशों को पाक स्ट्रेट जोड़ती है? पाक स्ट्रेट कौन से देशों को जोड़ती है? भारत और श्रीलंका इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी ग्रेट हो जाएगा। ठीक है, श्रीलंका के तत्कालिक प्रेसिडेंट का नाम बताइए कमेंट करके। इस समय यहाँ के राष्ट्रपति कौन है कमेंट करके बताइएगा। अगला सवाल देखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, इसे क्या कहते हैं? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, इसे क्या कहते हैं? परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण या फिर विचलन, इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन, ऑप्शन नंबर बी रिफ्रैक्शन सही है आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर में परासरण नियंत्रण करने वाला अंग कौन सा है? ऑस्मोसिस कंट्रोल ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में परासरण नियंत्रण करने वाला अंग कौन सा है? तो वृक्क हमारा किडनी, किडनी का वेट कितना होता है, किडनी का वेट कितना होता है बताइए? जैसे कि हमारे दिमाग का वेट होता है 1340 से 1350 ग्राम तक का होता है, हमारे मस्तिष्क का वेट आपको कमेंट करके बताना है कि किडनी जो है कितना वेट होता है। हमारे दो किडनियाँ होती हैं शरीर में जो कि सभी अशुद्ध पदार्थों को बाहर निकालने का काम करती है हमारी बॉडी से। ठीक है, तो क्या लगता है आंसर इसका? किडनी का वेट होता है मात्र 150 ग्राम का, 150 ग्राम का होता है यहाँ पे, ये याद रखिएगा। किलो में कौन बता रहा है, 150 ग्राम का बस होता है और 1340 से 50 ग्राम का लगभग 1.5 किलो के आसपास का हमारा दिमाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेब्स चक्र कहाँ पर होता है? क्रेब्स चक्र कहाँ पर होता है? क्लोरोप्लास्ट, माइक्रोकांड्रिया, केंद्रक या फिर गॉल्जी का है? सौविक, मान, बहर अली, बीके, बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, माइक्रोकांड्रिया इज द राइट आंसर, माइक्रोकांड्रिया इज द राइट आंसर। एक मिनट, कुछ टेक्निकल इशू है क्या? नेट तो सही चल रहा है, किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन हेतु सर्वाधिक उपयोगी भाग कौन सा होता है? द मोस्ट यूजफुल पार्ट स्टडिंग कौन सा होता है यहाँ पे? लॉकडाउन में सब मिस्टेक हो रहा है क्यों भाई, मिस्टेक क्यों हो रहा है? सही आंसर हो जाएगा इसका देखिए, तने का अग्रभाग, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तने का अग्रभाग। अगला देखिए, घड़ी की चाल को मापा जाता है किससे? क्लॉक स्पीड इज मेजर्ड, कैसे मेजर करते हैं?
क्लियर प्रीति, ओके थैंक यू। घड़ी की चाल को मापा जाता है कैसे, तो गीगा हर्ट्ज में इसको मापते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए डी ग्रेट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोधक क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा, स्थिर रहेगा, फ्रीक्वेंसी सभी। प्रतिरोधक तार को अगर हम लंबा कर देते हैं तो क्या होगा, धनंजय जी नेट स्लो है, गांव में अक्सर नेट स्लो होता है, बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी ग्रेट रहेगा यहाँ पे, ठीक है सी, प्रतिरोधक तार को अगर हम लंबा कर दें तो बढ़ जाएगा। बर्फ, जब बर्फ को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होता है, 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक है, तो इसमें देखिए थोड़ा सा चेंज आता है ना, तो बताइए कौन सा चेंज आता है, बिल्कुल सही दोस्तों, यहाँ पे पहले बढ़ती है उसके बाद फिर घटती है, यहाँ पे 0 से 4 वाले में, हाँ पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, ऑप्शन नंबर बी। पत्तियों में हरा रंग किसका कारण होता है, पत्तियों का जो हरा रंग कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, कारण क्या होता है उसका, हरे कलर का रीजन बताइए। बिल्कुल सही दोस्तों, होता है क्लोरोफिल की वजह से, ऑप्शन नंबर सी ग्रेट रहा है, ठीक है क्लोरोफिल की वजह से होता है। नेक्स्ट देखिए, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द प्रोविजन ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट एंड एबोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट, आर्टिकल कौन सा संबंध है इसका, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका आर्टिकल नंबर 169, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए ग्रेट हो जाएगा। आपको बता रहा दोस्तों, विधानसभा और राज्यसभा का गठन, सॉरी लोकसभा और राज्यसभा का गठन किस आर्टिकल से संबंध है इसका, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया, विच यूनियन मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड द खेलो इंडिया ई पाठशाला प्रोग्राम एट प्रेजेंट, किसके द्वारा इनॉग्रेटेड किया गया इसको, इसमें स्लाइड क्लियर नहीं है भाई, सही तो चल रहा है, क्लियर तो है सब, बिल्कुल सही दोस्तों, ये हो जाएगा आपका किरण रिजिजू इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, किरण रिजिजू के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया, ठीक है याद रखेंगे जी। बिल्कुल सही, आर्टिकल नंबर 80 और 81 में लोकसभा और राज्यसभा का गठन दिया गया, अनुच्छेद 80-81। तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है बताइए, नाउ क्लियर, ओके 31 मई, 1 जून, 2 जून या फिर 3 जून, ये प्रत्येक 2 जून को मनाया जाता है तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस, ठीक है सी इज द राइट आंसर। दो, गोवा का बताइए, गोवा राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्रांतिकारियों का एक लुप्त गुप्त संगठन अभिनय भारत का गठन किसके द्वारा किया गया था, अभिनय भारत इसका गठन किसके द्वारा किया गया, बिल्कुल सही दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा वीडी सावरकर के द्वारा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे से हो जाएगा वीडी सावरकर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बंग भंग विरोधी स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ निम्नलिखित में से कब हुआ था, यस बंग भंग विरोधी जो स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था,
ये हुआ था आपका 7 अगस्त सन 1905 में, ऑप्शन नंबर बी ग्रेड हो जाएगा, 7 अगस्त 1905 में, ठीक है। देखिए मैं 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, मैं बस पानी पी के आ रहा हूँ, ठीक है, फिर कंटिन्यू करेंगे। अभी 1 घंटा क्लास और चलेगा, तो लाइव है, बंद तो नहीं कर सकता, तो आप लोग आपस में कुछ डिस्कस कर सकते हैं तो डिस्कस कर लीजिएगा, बस मैं 2 से 3 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है। तब तक के लिए एक शॉर्ट ब्रेक है आप लोगों के लिए, आई एम जस्ट कमिंग, उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा स्पीड भी किया जाएगा अब आगे से, ठीक है। आप लोग आपस में भी क्वेश्चन कर सकते हैं ग्रुप में, एक तरीके से क्वेश्चन आंसर तो कर ही सकते हैं, पूछ सकते हैं दूसरे से क्वेश्चन।
हेलो एवरीवन, सॉरी थोड़ा सा एक ब्रेक था आप लोगों के लिए, घंटे का मतलब एक घंटे में बीच का ब्रेक था, मैं वापस आ चुका हूँ। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं, फिर से कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों का एक बार मैं देख लेता हूँ, सभी लोग हैं फिर चले गए हैं, सारे लोग चले, ठीक है कंटिन्यू करते हैं इसको फिर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे, क्वेश्चन नंबर 54। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे, इनका क्या नाम था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे मैडम, हाँ मैडम ब्लावात्स्की, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक यही। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने इस्पात मंत्रालय के नए सचिव का कार्यभार संभाला है? निम्नलिखित में से किसने इस्पात मंत्रालय के सचिव का कार्यभार संभाला है, क्या नाम है इनका? इसमें देखिए सही आंसर हो जाएगा आपका प्रदीप कुमार त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी जी को भारतीय फकीर की संज्ञा दी थी? महात्मा गांधी को भारतीय फकीर की संज्ञा दी थी, कौन थे ये जिन्होंने महात्मा गांधी कहा था भारतीय फकीर? सही आंसर हो जाएगा आपका, हाँ विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन नंबर ए कट जाएगा, विंस्टन चर्चिल ने कहा था महात्मा गांधी को फकीर। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होना अनिवार्य है? लोकसभा हमारी कौन सी चल रही है, 17वीं लोकसभा चल रही है, तत्कालिक लोकसभा स्पीकर कौन है? तो ओम बिरला तत्कालिक लोकसभा स्पीकर हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका कुल सदस्य का दसवां भाग, 20 द राइट आंसर ना। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी सदस्य की संख्या होनी चाहिए? तो कुल जितने भी सदस्य हैं उनका दसवां भाग मतलब 25 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का सर्वाधिक प्रमुख कारण कौन सा था? निशान, सोनू, विश्वजीत दास, सुनीता, प्रीति चंदेल, प्रमोद जी, अमित, सभी के आंसर में देख रहा हूँ। पिंटू, अच्छा पिंटू, क्या नाम लिखा है, मस्त बिल्कुल सही। इस क्वेश्चन में जाएगा दोस्तों क्रिस्प मिशन की असफलता, ऑप्शन नंबर ए ग्रेड हो जाएगा, क्रिस्प मिशन की असफलता ही प्रमुख कारण था। नेक्स्ट देखिए, अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? अल्जाइमर रोग इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका मस्तिष्क को प्रभावित करता है, हमारे दिमाग को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 60वां देखिए सही है, अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं का निर्माण क्या कहलाता है? What is the formation of blood cell in the bone marrow? गौरव कुमार, हेमेटोलिस, हेमेटोपैसिस, हीमोफीलिया, ल्यूकेमिया, पॉलीसाइथेमिया। इस क्वेश्चन में हो जाएगा दोस्तों आपका, इसको बोलते हैं हेमोटोपैसिस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है हेमोटोपैसिस। WBC का जीवन काल कितना होता है? WBC का जीवन काल कितना होता है? इनका जीवन काल होता है मात्र 4 दिनों का, ठीक है।
और आरबीसी जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं इनका 80 से 120 दिनों का जीवन काल होता है, ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए, रेडियो तीव्रता के दौरान निम्नलिखित में से किन किन किरणों का उत्सर्जन नहीं होता है? रेडियो एक्टिविता के दौरान निम्नलिखित में से किन किन किरणों का उत्सर्जन नहीं होता है? अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, कैथोड किरणें। अल्फा किरणें, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज या फिर कैथोड रेज। बिल्कुल सही आंसर है, इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा आपका कैथोड किरणें इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी तत्व के परमाणु क्रमांक समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? किसी तत्व का परमाणु क्रमांक समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, उसको हम क्या बोलेंगे, क्या कहते हैं उसको? समस्थानिक, ए एंड बी दोनों वही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, परमाणु का आकार कितना होता है? व्हाट इज द साइज ऑफ एन एटम? व्हाट इज द साइज ऑफ एन एटम? 10^-10 meter, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, 10^-, एक घंटे चलेगी क्लास 2 बजे तक। कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? जो लो टेम्परेचर मेजर करती है उसे हम क्या कहते हैं? क्लास 2 बजे तक इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों कार्योमीटर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कार्योमीटर इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मनुष्य के कान में कितनी हड्डियां होती हैं? स्टार्ट में ही मैंने आपसे वो क्वेश्चन पूछा था, मनुष्य के कान में कितनी हड्डियां होती हैं? तो ये टोटल हड्डियां होती हैं यहाँ पे 6, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। मनुष्य के कान में टोटल 6 हड्डियाँ होती हैं और स्टेप्स जो कि सबसे छोटी हड्डी होती है, और फीमर जो है कि सबसे बड़ी हड्डी होती है जो कि जांग में पाई जाती है, हमारे थाइस में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सूर्य और तारों जो कि पारा ऊर्जा का स्रोत तारों में होते हैं, इनमर ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? इन पास सूर्य और तारों के पास ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? कैसे ऊर्जा निकलती है इन लोगों से? अभी तक बहुत सारे लोगों ने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। वैसे बहुत सारे लोगों ने लाइक किया है, थैंक यू। माही, पिंटू, निशान, पूनम, प्रमोद, राजीव, शंभु कुमार, ए बी, बीकानेर, खुशबू पांडे, गौरव, सोनू कुमार, निशान, प्रीति चंदेल, चांदनी, प्रमोद, अमित जी, थैंक यू सो मच। सही हो जाएगा दोस्तों आपका हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा इसका, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन सही है। मनुष्य की सुनने की क्षमता कितनी होती है? मनुष्य की सुनने की क्षमता कितनी होती है बताइए? सही होती है दोस्तों आपका 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होते हैं। इसके ऊपर जो होती है दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रा सोनिक वेव्स, जो मनुष्य नहीं सुन पाता है, इसे बस कुत्ते और चमगादड़ सुनते हैं, और चमगादड़ अपने भोजन और अपने जान की रक्षा करने के लिए इसका इस्तेमाल भी करता है, वो इसको उत्पन्न भी करता है, इसको यूज भी करता है यहाँ पर। ठीक है, निशात, सॉरी भाई निशांत, मैंने पढ़ लिया गलती से, निशात है आपका नाम।
सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द डिवाइस दैट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? सोलर एनर्जी सर लाइक कैसे होता है? जान लीजिए, आप मत कीजिए लाइक। एक अंगूठे का निशान होगा, आप दबा सकते हैं उसको। अगर आप YouTube पढ़ रहे हैं, आप लाइक नहीं जान रहे, तो बहुत बुरी स्थिति है। इस क्वेश्चन लाइक मतलब आपका प्यार, आपको क्या अच्छा लगा, अच्छा लगा तो किया, नहीं लगा तो डिसलाइक किया, वो चीज। सही सर हो जाएगा आपका, फोटोवोल्टिक सेल इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर देखिए ए सही हो जाएगा। पृथ्वी तथा चंद्रमा के कक्ष में कितने डिग्री का झुकाव होता है? पीयूष इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 5.5 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ये गलत है। ऑप्शन बी से हो जाएगा 5.5 डिग्री। पृथ्वी तथा चंद्रमा के कक्ष कितने डिग्री झुकाव है? तो ऑप्शन नंबर बी गलत जाएगा यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दांतों से खून का गिरना निम्नलिखित में से किस विटामिन कमी कारण होता है? दांतों से खून का गिरना किस विटामिन की कमी कारण होता है? इसमें हो जाएगा दोस्तों आपका विटामिन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। विटामिन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है? विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है? केमिकल नेम का ट्रिक मैंने आपको बताया था ना, रत एक टॉफी। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, रेटिनॉल, थायमिन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सिफेराल, टोकोफेराल, फिलोक्विनोन। सिंपल इस तरीके से याद रखेंगे तो आप लोग को याद रहेगा, हमेशा भूलेंगे नहीं। तो सी है यहाँ पे, ए ए का मतलब एस्कॉर्बिक एसिड, इस फॉर्मूले से आप कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। विटामिन ए से रतौंधी, आंखों का रोग होता है, कलर ब्लाइंडनेस। बी से बेरीबेरी, सी से आपका वही मसूड़ों का सूजन, पायरिया वगैरह। डी से रिकेट, सूखा रोग। ई से सेक्स ग्लैंड में प्रॉब्लम होता है। और विटामिन के से ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का नहीं बनता, तो इनकी कमी से होने वाले रोग भी आपसे पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित से किस गवर्नर जनरल ने भारत में डॉक टिकट की शुरुआत की थी? निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में डॉक टिकट की शुरुआत की थी? लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिन, लॉर्ड रिपन। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में आपका, लॉर्ड डलहौजी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी इज द राइट आंसर। अगला देखिए, स्वतंत्र भारत की यात्रा पर आने वाला प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन था? स्वतंत्र भारत की यात्रा पर आने वाला प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन था? बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों आपका, हैरोल्ड मैकमिलन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, ठीक है। हैरोल्ड मैकमिलन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए क्वेश्चन है आपका 73, अभी वर्तमान में कोरोना की वजह से किस मुख्य न्यायाधीश का निधन हुआ है? वर्तमान में कोरोना की वजह से किस मुख्य न्यायाधीश का निधन हुआ है? क्या नाम है इनका? ये दोनों तो जीवित हैं भाई, बताइए क्या हो गया आंसर। अजय कुमार त्रिपाठी इज द राइट आंसर। दीपांकर दत्ता कहाँ के हैं? मैंने आपको पहले ही बताया है, मुंबई के हैं ये, महाराष्ट्र के। टीबीएन राधाकृष्णन, टीबीएन राधाकृष्णन कहाँ के हैं? डब्ल्यू बी, वेस्ट बंगाल के यहाँ पे। तो अजय कुमार त्रिपाठी जो हैं, जिनका कोरोना वायरस की वजह से इनका निधन हो गया। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया गया? इंटरनेशनल जर्नलिज्म इंडिपेंडेंस डे इज ऑब्जर्व ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स? 3
3 मई, 4 मई, 2 मई, 5 मई, दीपांकर दत्ता कुछ लोग मार दे रहे हैं, बताइए। बसरुद्दीन अंसारी कह रहे हैं दीपांकर दत्ता अभी हैं चीफ जस्टिस तत्कालिक महाराष्ट्र के, वो इस क्वेश्चन में जाएगा दोस्तों 3 मई को। देखिए पहले 2019 में जो कि हैप्पीनेस में भारत की इंडेक्स कितनी थी 140 और प्रेस फ्रीडम में कितनी थी 140, लेकिन इन दोनों में परिवर्तन हुआ, हैप्पीनेस वाला हो गया आपका 144 और प्रेस फ्रीडम में हमारा भारत का इंडेक्स हो गया 142। हैप्पीनेस दिवस कब मनाते हैं हम लोग स्वतंत्र जो कि खुशहाली वाला, तो ये मनाते हैं हम लोग 20 मार्च को, जिस दिन हम लोग गौरैया दिवस मनाते हैं उसी दिन हैप्पीनेस को भी मनाते हैं, और प्रेस फ्रीडम आपको पता है 3 मई को हम लोग प्रत्येक वर्ष मनाते हैं प्रेस फ्रीडम डे के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव का पदभार किसके द्वारा संभाला गया है, किसने संभाला है, हु हैज करेंटली अज्यूम्ड द चार्ज फॉर सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, संजीव रंजन, नितिन जयराम गडकरी, अरविंद कुमार शर्मा या फिर गिरधर अरमाने, क्या है आंसर इसमें से आप सभी लोगों का। दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए सभी लोग, दूसरों तक भी वीडियो पहुंचना चाहिए, अगर ये क्लास चल रही है तो नोटिफिकेशन नहीं गया था आज, नोटिफिकेशन भी पता नहीं क्यों नहीं जाता है मेरी क्लास का, मुझे तो बहुत दुख है इस बात का, कभी भी नहीं जाता है। इस क्वेश्चन में दोस्तों गिरधर अरमाने इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, गिरधर अरमाने करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, जो कि तत्कालिक जो कि परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय कौन है किनके पास है, तो नितिन गडकरी के पास है, बट इनके सचिव सेक्रेटरी का कार्यभार संभाला है गिरधर अरमाने ने। अगर आपसे पूछेगा सूक्ष्म एवं लघु उद्योग MSME स्मॉल मीडियम, तो ये जो कि इसके भी मंत्री कौन है, तो नितिन गडकरी ही है, ये भी याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किसके आंशिक निर्जरीकरण से बनाया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किसके आंशिक निर्जरीकरण से बनाया जाता है, एप्सम लवर, जिप्सम लवर, नीला तोता, फिर हरित काचर, माही, सुषमा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका करेंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस GK, अगर आप रेलवे के लिए पढ़ रहे हैं तो 40 नंबर का आता है ये, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा अगर आप लोग बोलेंगे तो कैसे इसको पढ़ना चाहिए, क्या क्या आ सकता है, इस पर भी डिस्कस कर लिया जाएगा थोड़ा देर। बिल्कुल सही दोस्तों, ये हो जाएगा जिप्सम लवर, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा जिप्सम लवर, प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किसके आंशिक निर्जरीकरण से बनाया जाता है, तो जिप्सम लवर है। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है, वो कौन सा विटामिन है सबसे अधिक तीव्रता से बनता है, विटामिन ABCD, धनंजय देख रहा हूं मैं सबका, धनंजय, पिंटू, प्रमोद, सिसिल थॉमस, कुणाल सिंह, बदरुद्दीन अंसारी, सुषमा, अनवर जी, गौरव कुमार, प्रदीप, सोनू कुमार, सबके कमेंट में देख रहा हूं। इस क्वेश्चन में हो जाएगा आंसर दोस्तों विटामिन डी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। हमारे शरीर में सबसे तेजी से कौन सा विटामिन बनता है, तो विटामिन डी बनता है यहाँ पे, ठीक है। आपको बताना दोस्तों कि खाना बनाते समय कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, खाना बनाते समय कौन सा विटामिन जो है कि नष्ट हो जाता है, इस समय बहुत जरूरी भी है, इसी विटामिन की जरूरत है हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को अच्छा करता है, हमारे घाव को भरने का काम करता है, कौन सा विटामिन है, तो विटामिन सी है, विटामिन सी जो है खाना बनाते समय सबसे पहले खत्म हो जाता है, ठीक है। और दूध को हम पौष्टिक आहार नहीं मानते हैं, रीजन बिहाइंड, उसमें विटामिन सी नहीं होता है और उसमें आयरन नहीं होता है, इस वजह से हम उसको पौष्टिक मतलब संपूर्ण हम नहीं मान सकते उसको संपूर्ण रूप से, कि हर एक चीज आपको उसमें मिल रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल प्रशासन में मुहतसिब किसे कहा जाता है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब किसे कहा जाता है,
मतलब उस टाइम किसे कहा जाता था? बिल्कुल सही दोस्तों, हो जाएगा जन नैतिक प्रभारी अधिकारी जो होते हैं उनको कहा जाता था, ऑप्शन नंबर सी से जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कच्चे सेब में कौन सी एसिड पाई जाती है? कच्चे सेब में कौन सी एसिड पाई जाती है? सही आंसर हो जाएगा मॉलिक एसिड इज द राइट आंसर। चींटी के डंक में कौन सी एसिड पाई जाती है? चींटी के डंक में कौन सी एसिड पाई जाती है? मॉलिक मैलिक एसिड। अच्छा, क्या नाम है? फार्मिक एसिड पाई जाती है ना? हाँ, फार्मिक एसिड पाई जाती है, चींटी के डंक में फार्मिक एसिड पाई जाती है। इसका बताइए, दो वस्तुओं के बीच में घर्षण का कारण क्या है? दो वस्तुओं के बीच में घर्षण का कारण क्या होता है? रीजन बिहाइंड। बिल्कुल सही दोस्तों, यहाँ पे उनके पृष्ठों पर अनियमितता, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उनके पृष्ठों पर अनियमितता है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी पर मौसम के परिवर्तन का कारण क्या है? पूनम सोनकर, माही, रिछरिया, चांदनी। पृथ्वी पर मौसम के परिवर्तन कारण क्या है? पृथ्वी का परिक्रमण और इसकी धुरी पर झुकाव, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सी। इसी वजह से मौसम परिवर्तन होता है, जो 23.5 अक्षांश पे झुका हुआ है। आपका कौन सा हिस्सा जिसे दानदाता द्वारा ट्रांसप्लांट किया था उसे क्या कहते हैं? देखिए सही हो जाएगा कार्निया, ऑप्शन नंबर ए। आंख का कौन सा हिस्सा जिसे दानदाता द्वारा ट्रांसप्लांट किया जाता है? तो बस कार्निया को जाता है। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा? मानव ने चंद्रमा पर अपोलो 11 पहला कदम कब रखा? बिल्कुल सही दोस्तों, 1969 में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो स्टैब्लिश कब हुआ था? तो 15 अगस्त सन 1969 में ही स्टैब्लिश हुआ था, इसको याद रखिएगा। इसके तत्कालिक सीईओ कौन है? तो के शिवान इसके तत्कालिक सीईओ हैं। इसको स्टेब्लिश किसने किया था? तो विक्रम अम्बालाल साराभाई के द्वारा स्टेब्लिश किया गया था। और चंद्रयान का जो लैंडर था वो इन्हीं के नाम पर था, विक्रम उसका नाम था ना। उसके अंदर प्रज्ञान था हमारा, जो रोवर था चंद्रयान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध खट्टा होने पर कौन सा एसिड बनता है? दूध खट्टा होने पे कौन सा एसिड बनता है? गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ये एक मैराथन क्लास थी, बैक टू बैक सारे मैं क्वेश्चन चाहूँ तो आपको बहुत डिटेल साथ बता सकता हूँ, लेकिन सारे क्वेश्चन नहीं करा पाऊँगा। इसी वजह से मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, जैसा आप लोग बोल भी रहे हैं सर थोड़ा तेज़ चलिए। तो अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं ठोका है तो अभी के अभी एक लाइक कर दीजिए सभी लोग। एंड बहुत सारे लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दिया करिए, थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ये वीडियो बहुत दूर तक नहीं जाता। अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ा दूर तक जाना चाहिए वीडियो। बिल्कुल सही दोस्तों, हो जाएगा लैक्टिक एसिड इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लैक्टिक एसिड आप जब देखोगे उसको। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, सितारों का रंग क्या दर्शाता है?
सितारों का रंग क्या दर्शाता है? बिल्कुल सही, उनका तापमान, उनका टेम्परेचर, उनकी चमक जो होती है वो खुद की होती है। ऐसा नहीं है कि सूर्य के प्रकाश से होता है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सूर्य के प्रकाश से तो नहीं होता है, नहीं। इंसोमेनिया किससे संबंधित है? इंसोमेनिया अक्सर लोग इसका इससे परेशान हो जाते हैं ना, इंसोमेनिया है तो ऑप्शन में आप लोगों को दिख ही रहा है। इंसोमेनिया रात में नींद ना आना, अनिद्रा ना, अनिद्रा इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इंसोमेनिया के संबंधित है तो अनिद्रा संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सार्क सदस्य देश नहीं है? कौन सा सार्क का सदस्य देश नहीं है? इंडोनेशिया इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशिया। इसके साथ हमारा सैन्य अभ्यास हुआ है कौन सा अगर आपसे पूछा जाएगा तो देखिए, एक है आपका गरुड़ शक्ति, एक है आपका वरुण शक्ति, सॉरी गरुड़ शक्ति एंड समुद्र शक्ति, गरुड़ शक्ति एंड समुद्र शक्ति, ठीक है। ये दोनों सेना अभ्यास आपका इंडोनेशिया के साथ हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद बिन तुगलक की पदवी धारण की और 1325 ईस्वी में दिल्ली का शासक बनकर शासक बन गया था? किसके द्वारा? सर मूछ अच्छा है आपका, कुणाल। अच्छा, थोड़ा सही कर लेते हैं इसी बात पे, थोड़ा सा तारीफ मिला है तो हम भी इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। बड़ा मेहनत से लॉकडाउन में बढ़ रहा है क्योंकि घर वालों ने मना कर दिया है कि नाई के पास नहीं जाना है, इसलिए बढ़ रहा है। बिल्कुल सही दोस्तों, जूना खान इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, जूना खान। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे ब्रिटेन में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? ब्रिटेन में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया किसे? इनका नाम है गायत्री कुमारी, ऑप्शन नंबर डी से ज्यादा, ठीक है। क्या नाम है इनका? गायत्री कुमारी। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी जी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट समझौता निम्नलिखित में से कब हुआ था? महात्मा गांधी जी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट समझौता कब हुआ था? जस्ट लाइक रविंद्र जडेजा, अब लग रहा है कि रविंद्र जडेजा से मिलना पड़ेगा मुझे, बहुत लोग बोल चुके हैं सर आप रविंद्र जडेजा की तरह लगते हैं, कब मिलेगा? लॉकडाउन खत्म हो तो हम सोच रहे हैं जाके पहले रविंद्र जडेजा से मिल लें, एक बार एक सेल्फी ले लें। सही सोचा दोस्तों, 26 सितंबर 1912 होगा मेरे हिसाब से आंसर इसका, ठीक है, गड़बड़ लिखा हुआ है यहाँ पे, 32 होगा 12 होगा 32 होगा, गलत लिखा है यहाँ पे, 1932 है आई थिंक, ठीक है, 32 42 25 39, नहीं बी नहीं होगा यहाँ पे, ए ही होगा, बस गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, मेंशन उसको गलत किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाँ, निम्नलिखित में से किसे फिनलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? फिनलैंड में किसे भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? सुशील कुमार, सीबी जॉर्ज, रवीश कुमार, गायत्री कुमारी। अच्छा, अभी रिसेंटली एक चैनल भी हैक कर लिया गया ना, चैनल का नाम वाम भी चेंज कर दिया गया है। बिल्कुल सही दोस्तों, जाएगा रवीश कुमार इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी से होगा इसका। किसे फिनलैंड की नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो रवीश कुमार, सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, फिनलैंड। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि नोकिया कहाँ की कंपनी है, तो यहीं की कंपनी है, ठीक है, फिनलैंड की। और एक प्रश्न आता है आपका, झीलों का देश, झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो वो भी आपका फिनलैंड को कहा जाता है, दोनों चीज़ें, हाँ बिल्कुल वही। अगला देखिए, हिटलर ने वायसराय की संधि को निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्वीकार कर दिया था? अभी मैंने देखा जाके तो उसका नाम भी चेंज कर दिया है, उन्होंने ब्रांड अकाउंट कर दिया है, 34,03.4 मिलियन सब्सक्राइबर थे, उसका नाम चेंज करके देख रहा हूँ मैं, ब्रांड अकाउंट लिखा हुआ है,
हे भगवान, बहुत बुरी स्थिति है। बिल्कुल सही दोस्तों, 1935 इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हिटलर ने वायसराय की संधि का उल्लंघन किस वर्ष अस्वीकार कर दिया था? तो सन 1935 को। ठीक है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपका 1 अप्रैल 1935 में ही स्टैब्लिश हुआ था, और इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था सन 1949 में। ये इसको भी याद रखेंगे आप लोग, पूछा जाता है कभी बार। तत्कालिक इसके 25वें गवर्नर कौन है? तो ये हैं शक्तिकांत दास। ठीक है, तत्कालिक गवर्नर है इसके। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक इट। लाइक ठोक दीजिए सारे लोग अभी के अभी एक, एंड शेयर कर दीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ शेयर करने के लिए, तो आप लोग शेयर जरूर करिए इसको दोस्तों के साथ अपने। यहाँ पे गलत है दोस्तों, विटामिन B1 संतरा दूध ये सुमेलित नहीं है। बाकी डी से आपका मछली का तेल से आपका विटामिन डी मिलता है, गेहूं हरी सब्जियों से विटामिन ई मिलता है आपका। ठीक है, और विटामिन B12 आपका मांस और अंडा से इसका संबंध रखता है यहाँ पे। ठीक है, वैसे ऑरेंज आपका विटामिन सी, मिल्क में ऑलरेडी विटामिन डी एन लॉट्स ऑफ मिलते हैं। पटना में गोलघर का निर्माण निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया? पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया बताइए। ये किया गया 1786 में, 1786 में किया गया, 1786 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? यू आर राइट, सही आंसर हो जाएगा ऊषा मेहता। ऑप्शन नंबर सी से जगह ऊषा मेहता। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहां पर स्थापित की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहां पर स्थापित की थी? अच्छा कुणाल, आप वहीं से हैं। सही आंसर हो जाएगा यहां पे मुंबई, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य ने COVID-19 के मरीजों के लिए वेंटिलेटर और अस्पताल में बेड से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो बेड से संबंधित सारी नॉलेज आपको मिलेगी, कितना खाली है, कहाँ कितना है, कौन से स्टेट के द्वारा इसको किया गया आपको बताना है। दिल्ली इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा ए। देखिए, दिल्ली में दो प्लान चलाए गए थे, एक 5T प्लान था और एक था ऑपरेशन सील्ड। ये दोनों जो चलाए गए थे ये इंपॉर्टेंट है, ये दिल्ली में चलाए गए थे। रिक्शा जितने भी चालक थे उनको 5,000 रुपये देने के लिए, और कोई भी अगर नर्स या फिर डॉक्टर COVID-19 से उसकी मौत होती है तो दिल्ली गवर्नमेंट उसको 1 करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया था। ये भी दिल्ली थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार नहीं? भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार नहीं है कौन सा? कार्य का अधिकार, छुआछूत की रोकथाम, बाथरूम स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता। कार्य का अधिकार, हमारे राइट टू वर्क मूल अधिकार में नहीं है। बाकी तुम्हारे मूल अधिकार फंडामेंटल राइट 12 से, आर्टिकल नंबर 12 से 35 में आते हैं,
एंड फंडामेंटल ड्यूटीज 51A में आता है, ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से किसको नए राज्य बनाने या वर्तमान राज्यों की सीमाएं बदलने का अधिकार प्राप्त होता है? नए राज्य बनाने, वर्तमान राज्यों की सीमाओं के बदलने का अधिकार प्राप्त होता है, वो कौन है? तो सही आंसर दोस्तों संसद इज द राइट आंसर, पार्लियामेंट, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? सोनू कुमार, प्रमोद जी, राजेश, मणि, खुशबू पांडे, चंद्रभान, गौरव, पिंटू, सुषमा, पूनम, चांदनी, माही, सोनू। इस क्वेश्चन में हो जाएगा दोस्तों दो, लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन को, ठीक है, राज्यसभा में 12 है, याद रखिएगा ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। अगला देखिए, राष्ट्रपति को अपने पद की शपथ ग्रहण कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को अपने पद की शपथ ग्रहण जो है शपथ कौन दिलाता है? क्या होगा आंसर इसका? बिल्कुल सही दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर सी रख जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। भारत में मुख्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया इकोनॉमिक में, भारत में मुख्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? ओके, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। सही आंसर है दोस्तों स्ट्रक्चरल, संरचनात्मक, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में सही हो जाएगा, स्ट्रक्चरल। अगला देखिए, भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की पहचान के लिए कितने पैरामीटर निर्धारित किए गए हैं? गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की पहचान के लिए कितने पैरामीटर बनाए गए हैं? 10, 13, 15, 16। बिल्कुल सही दोस्तों, 13 पैरामीटर यहाँ पे बनाए गए हैं, ऑप्शन नंबर बी ग्रेट है। निम्नलिखित में से किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक है? केरला इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। केरल में सबसे स्वास्थ्य के लिए पहले नंबर पे है, लिटरेसी पहले नंबर पे है, और महिलाओं की संख्या जो है यहाँ पे पुरुषों की संख्या से अधिक है केरला में। निम्नलिखित में से उष्मा का अच्छा चालक लेकिन विद्युत का खराब चालक कौन सा है? उष्मा का अच्छा चालक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कौन है? देखिए, अगर किसी को भी अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना है तो अगर आप एक सीरियस एस्पायरेंट हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं, लगातार प्रैक्टिस सेट देना चाहते हैं, मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, डाउट क्लियर करना चाहते हैं, तो अपन अकेडमी प्लस जरूर ज्वाइन कीजिए सभी लोग, जहाँ पे आप मेरा रेफरल यूज कर सकते हैं जिसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप सिंपली रेफरल कोड में ओम जायसवाल, जो कि मेरा नाम है, इसको आप लोग डालेंगे तो आपको इंस्टेंटली 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। किसी भी स्ट्रीम में ले सकते हैं आप अनअकैडमी प्लस, आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराती हैं अनअकैडमी प्लस, लाइव क्लास सारे ले पाएंगे, PDF सभी का मिलेगा, डाउट क्लास मिलेगा, एडिशनल आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, क्विज मिलेगा, आपको डेली PDF एंड एडिशनल PDF साथ आपको होमवर्क भी मिलेगा, और फुल सिलेबस कवर होगा, जो भी सिलेबस होगा, प्रैक्टिस सेट होते हैं, प्रैक्टिस पेपर्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं पूरा प्रिपरेशन होता है एक साथ अनअकैडमी प्लस के थ्रू। तो आप ज़रूर जुड़िए, आप एक बार इसका रिव्यू ले सकते हैं स्पेशल क्लास के थ्रू कि कैसे पढ़ाया जाता है वहाँ पे, या फिर कोई अगर आपका दोस्त यार मित्र हो तो उसे पूछिए कि क्या अनअकैडमी प्लस बेस्ट है कि नहीं, तो वो अच्छे से रिव्यू देगा, मेरे से अच्छा रिव्यू वही देगा कि नहीं ठीक है, जो भी है वो बताएगा आपको अच्छा है कि नहीं। इस क्वेश्चन में जाएगा दोस्तों अब्रक इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो कभी भी जुड़िएगा तो मेरा कोड यूज कर सकते हैं आप लोग एनी टाइम, ओम जायसवाल, इस कोड से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा तुरंत।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कान में क्लिक होती है तो आप लोगों ने बता दिया, जल और अल्कोहल में के एक मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अल्कोहल कैन बी सेपरेटेड बाई, किसके द्वारा कर सकते हैं हम लोग अलग इसको? जल और अल्कोहल फिल्टर, वाष्पन, निस्तारण या फिर आसवन? जी ऑप्शन नंबर डी, आसवन विधि के द्वारा चेंज कर सकते हैं इसको। भारत में किस स्थान पर सबसे पहला जल विद्युत शक्ति संयंत्र लगाया गया था? भारत में किस स्थान पर सबसे पहला जल विद्युत शक्ति संयंत्र लगाया गया था? फर्स्ट सबसे पहला शिव समुद्रम, इस क्वेश्चन में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शिव समुद्रम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, देश में निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृष्य मिट्टी के नाम से जाना जाता है? यहाँ पे कृषि, कृष्य मिट्टी के नाम से जानते हैं किसे? जलोढ़ मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, कपास की काली मिट्टी या फिर मरुस्थली मिट्टी? सही आंसर हो जाएगा इसका कपास की काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सही है आप लोग का भी आंसर। भारत में निर्वाचन आयुक्त आयुक्तों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? भारत में निर्वाचन आयुक्त आयुक्तों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? बिल्कुल सही दोस्तों, जाएगा आपका राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए कट जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति। नागिन झील किस राज्य में स्थित है? नागिन झील किस राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा जम्मू एवं कश्मीर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जम्मू एवं कश्मीर। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द जोड़े गए? बताइए, ए बी, गजला, प्रमोद, चांदनी, मनोज? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिए, उपयुक्त में से सभी। 42वां संविधान संशोधन हुआ था सन 1976 में, जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, अखंडता, इन सबको जोड़ा गया था यहाँ पे। इसके बाद आपका 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया था। ठीक है, तो ये भी याद रख सकते हैं आप। अगला देखिए, ठीक है, क्वेश्चन है, संसद के विधेयकों के बारे में राष्ट्रपति किस प्रकार के विशेषाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं? संसद के विधेयकों के बारे में राष्ट्रपति किस प्रकार के विशेषाधिकार के का प्रयोग कर सकते हैं? बिल्कुल सही दोस्तों, जेबी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी ग्रेड हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्तियां किसके द्वारा होती हैं? किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्तियां किसके द्वारा होती हैं? भारतीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के मुख्यमंत्री, किसके द्वारा होगी भाई? सही आंसर हो जाएगा आपका भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए कट जाएगा। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति। झारखंड राज्य का गठन निम्नलिखित में से किस तिथि को हुआ था?
झारखंड राज्य का गठन निम्नलिखित में से किस तिथि को हुआ था? ये हुआ था दोस्तों आपका 15 नवंबर 2000 को, ऑप्शन नंबर सी से जगह यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इसका जो कि एक तरीके से निर्वाचन नियुक्ति किसके द्वारा होता है, आर्टिकल नंबर 324 से संबंध है इनका, तत्कालिक है सुनील अरोरा तत्कालिक है राष्ट्रपति, इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इनका कार्यकाल 6 वर्षों तक और 65 वर्ष की आयु तक होता है। बाकी दो अन्य मेंबर हैं सुशील चंद्र और अशोक लवासा, ठीक है, इन दोनों को भी आप लोग याद रखेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक है क्या? संपत्ति का अधिकार एक क्या है? कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, फिर संवैधानिकत्व अधिकार, किस प्रकार का अधिकार है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये कानूनी अधिकार है। संपत्ति के अधिकार को 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, सॉरी 1978 में हुआ था, उसी में से हटा दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, आपको बताना है कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? बहुत सारे लोगों ने वीडियो को लाइक किया है, उनका दिल से धन्यवाद। चिनूलाल, पूनम, माही, एबी, गजल, राजेश, सोनू, प्रमोद, बसरुद्दीन अंसारी, इशिका, निर्जा, कुणाल, आर राजेश, मनीष, दीपक, सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सुषमा, सभी लोग सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ताप्ती इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ताप्ती बंगाल खाड़ी में नहीं गिरती है, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, ये तीनों गिरती हैं यहाँ पे, बट यहाँ पे महानदी नहीं गिरती है, ठीक है, सॉरी ताप्ती नहीं गिरती है। कृष्णा आंध्र प्रदेश में है आपका, महानदी उड़ीसा में है, गोदावरी बताइए कहाँ पे है, कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, सागौन किस वन में पाया जाता है? सागौन किस वन में पाया जाता है? हाँ, ताप्ती अरब सागर में, गजला सही कहा आपने, ये है मानसूनी वनों में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए, सागौन जो है वो मानसूनी वनों में पाया जाता है। अलाई दरवाजा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? अलाई दरवाजा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? अकबर, सिकंदर लोधी, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। अलाई दरवाजा, अलाउद्दीन खिलजी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। आपको बताना दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, कमेंट करके बताइए, ठीक है, किसके द्वारा कराया गया था? और दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी? दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी? इल्तुतमिश की बेटी थी, तो आप लोग बता सकते हैं। पहली बार परमाणु बम कहां पर फेंका गया था? पहली बार परमाणु बम कहां पर फेंका गया था? क्रमशः 6 अगस्त और 9 अगस्त को, तो लोग बताइए, दो में फेंका गया था, बट पहली बार आपसे पूछ रहा है, तो 6 अगस्त, इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, रजिया, ठीक है, सही सुन रहे दोस्तों, हिरोशिमा, हिरोशिमा पे 6 अगस्त को, नागासाकी में 9 अगस्त को परमाणु बम फेंके गए थे अमेरिका के द्वारा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसमें। सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा, दाब तथा वायु वेग एक साथ निम्नलिखित में से क्या बनाते हैं? कोई बात नहीं पूनम जी,
अब बताइए सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा, दाब, वायु, वेग एक साथ इंग्लिश में से क्या बनाते हैं? बिल्कुल सही दोस्तों, ये जलवायु कारक बनाते हैं, क्लाइमेट फैक्टर बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी से जाएगा यहाँ पे, क्लाइमेट फैक्टर। बालों को रंगने के लिए जिस रसायन का प्रयोग किया जाता है वह रसायन कौन सा है? बालों को रंगने के लिए जिस रसायन का प्रयोग किया जाता है वह रसायन कौन सा है? बिल्कुल सही, 1945 सन 1945 में, 6 अगस्त 1945 में। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका पैराफिनाइल डाई अमीन, ऑप्शन नंबर डी कर जाएगा, इसी का प्रयोग करते हैं हम लोग। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, प्रकाश के अपवर्तन या फिर प्रकाश का विवर्तन। सही आंसर हो जाएगा आपका प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अगला देखिए, जल प्रवाह को मापने की यूनिट निम्नलिखित में से क्या है? जल प्रवाह को मापने की यूनिट निम्नलिखित में से क्या है? ओके, सही आंसर हो जाएगा क्यूसेक इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा क्यूसेक। नेक्स्ट देखिए, किसी खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता कैसे कम की जा सकती है? किसी खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं? इशिका, अरुण, माही, दीपक राणा, प्रमोद, चांदनी। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नेत्रिका की फोकस दूरी को बढ़ा के, ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ए। जब हम फोकस दूरी को बढ़ा देंगे, ठीक है, फोकस डिस्टेंस ऑफ आई। स्वांग नृत्य किस भारतीय राज्य का नृत्य है? नृत्य नहीं है, स्वांग एक फोक डांस है, कहाँ का नहीं है आपको ये बताना है। हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश, किसका नहीं है? हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश का ये नहीं है, बाकी सब जगह ये नृत्य किया जाता है स्वांग। मुझे पता था बहुत लोग यूपी लगाएंगे, लेकिन हिमाचल प्रदेश। गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला देश कौन है? सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य प्रदेश कौन सा है? अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया दोस्तों तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट मैं आपके लिए लेके आऊँगा 200 साइंस के क्वेश्चन, ठीक है, अगली बार अगले संडे में 2 घंटे का मैं क्लास लेके आऊँगा, 200 साइंस क्वेश्चन विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ आपका बायोलॉजी, जूलॉजी, ठीक है, सभी से क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री से, फिजिक्स से, बायोलॉजी में मैक्सिमम आप देखोगे, जूलॉजी से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है यहाँ पे, तो उसको भी मैं लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। 200 क्वेश्चन होंगे साइंस के नेक्स्ट संडे में। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है आपका गन्ने का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? क्योंकि आप लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे साइंस में, तो साइंस में जरूर लेके आऊँगा। ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? ये दी जाती है हॉकी के लिए, ठीक है, HCF, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, इन तीनों में खिलाड़ी संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है इन तीनों में खिलाड़ियों की संख्या। यहाँ पीरियोडिक टेबल, अच्छा ठीक है, पीरियोडिक टेबल को भी लपेटा जाएगा यहाँ पे। नोटिफिकेशन नहीं आता है, यही तो मेरी क्लास का दिक्कत है पिंटू भाई, नोटिफिकेशन नहीं आता है, देखो क्लास का नोटिफिकेशन नहीं गया है आप लोगों को, अब देखेंगे, आप लोग आ जाइएगा, टाइमिंग यही रहेगी 12 से 2, कैसे नोटिफिकेशन दूं मैं नहीं समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के लिए सबसे अधिक हानिकारक कौन सी विकिरण होती है? सबसे अधिक हानिकारक कौन सी विकिरण होती है?
बीटा किरणें, अल्फा किरणें, गामा किरणें, फिर पराबैंगनी किरणें। सही सुन जाएगा दोस्तों, पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती हैं सबसे ज़्यादा हानिकारक होती हैं, इसको याद रखेगा, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज। स्वस्थ मनुष्य में शरीर में रक्त कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य के रक्त में शरीर में रक्त कितना होता है? मैंने भी बताया था ना आपको, हमारे बॉडी वेट का 7% होता है और 5 से 6 लीटर जो कि खून हमारे शरीर में होता है, महिलाओं में 4 से 5 लीटर का खून होता है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेपाल की राजधानी काठमांडू निम्नलिखित किस नदी के तट पर स्थित है? नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी के तट पर स्थित है, आपको ये बताना है। कोसी नदी, नारायणी नदी, गोदावरी नदी या फिर बागमती नदी। अच्छा, आपने आज ही ज्वाइन किया चिन्नूलाल जी, तो बागमती नदी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। दोस्तों ये थे टोटल 135 क्वेश्चन जो मैंने आपको अवेलेबल कराए। नेक्स्ट मुलाकात होगी आप लोग को नेक्स्ट संडे में, 200 साइंस के क्वेश्चन में लेके आऊँगा, इसी तरह मैराथन क्लास। थैंक यू सो मच फॉर द ज्वाइनिंग, दिल से बहुत सारे लोगों ने वीडियो को लाइक एंड शेयर किया है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह आप लोग रेगुलर जुड़े रहिए, और कभी भी अगर अनअकैडमी प्लस आप परचेज करेंगे तो मेरा कोड यूज कर सकते हैं जो कि ओम जायसवाल है। मैंने अनअकैडमी प्लस के सारे बेनिफिट आपको बता दिए हैं, तो ये आप बिना स्पेस के ओम जायसवाल रेफरल कोड में यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट अनअकैडमी प्लस में मिल जाएगा। बाकी सारी चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से देख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, जितने भी लोग क्लास में जुड़े मेरे साथ थे क्लास में। आई होप कि आपको एक क्लास अच्छी लगी होगी। अगली मुलाकात होगी नेक्स्ट संडे में। आप लोग इसी तरह स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है, कोरोना से बच के रहिए। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।